नमस्कार सभी विद्यार्थियों का श्याम एकेडमी की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 5 हिंदी में आज हम कविता 3 तीसरी कविता नन्ना मुन्ना राही की समझ प्राप्त करेंगे, जिसके कवि है शकील बदायूनी। शकील बदायूनी ने इस कविता के द्वारा बाल सैनिक के मन की भावना को व्यक्त किया है। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है, हमारे देश के पहरेदार सैनिक है। इस सैनिक की वजह से ही आज हम शांति से अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। इसी प्रकार नन्ना राही बड़ा होकर देश का सिपाही बनना चाहता है और बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने के लिए इस कविता द्वारा अपनी भावना को व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त कितनी भी बाधाओं का मुझे सामना करना पड़े, फिर भी मैं देश की रक्षा करूंगा और देश में शांति से लोग एक दूसरे के साथ रहे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता का गायन सुनेंगे कि इस कविता का राग क्या है। तो सबसे पहले मैं 2-3 पंक्तियाँ हैं वो आपको गा के सुनाती हूँ कि इसका राग इस प्रकार से है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति का जो भावार्थ है वो समझेंगे कि नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये छोटा सैनिक अपने देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला है, ये एक छोटा सा मुसाफिर है। राही यानी मुसाफिर, छोटा होने पर भी देश का सिपाही बनना चाहता है और वो कहता है कि तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। तो ये जय हिंद है वो हमारा नारा है। उसके बाद की जो पंक्ति है कि रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, तो देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर के नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर मंजिल तक पहुँचने से पहले मैं कभी आराम नहीं करूंगा। मंजिल यानी ध्येय।
अपना जो लक्ष्य हो इसे हासिल करना हो उसे मंजिल कहते हैं। तो इसी प्रकार वो अपनी मंजिल पाकर ही रहेगा। उसके बाद की जो पंक्ति है कि धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, तो धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे और मेरे रहते हुए धरती पर पापी कभी जन्म नहीं पाएंगे, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। और उसके बाद की जो पंक्ति है वो है, बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा और दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो मैं सिपाही बनके अपने देश की सेवा करूंगा, सारी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा यानी यहाँ पर ये मुहावरा है, और आंखों का तारा बनना यानी सबसे प्यारा, तो देश का प्यारा बनना चाहता हूँ। इस प्रकार छोटे बच्चे की जो यहाँ का यहाँ पर उसकी जो भावनाएँ हैं वो प्रकट हुई है। आगे ही आगे बढ़ता हूँ, बढ़ाऊँगा कदम तो मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, तो मेरा देश शांति की नगरी है, मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। तो चलन शब्द है उसका अर्थ है कि व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार सभी के साथ करना। तो सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा बम। तो इस मेरे रहते हुए मेरे देश पर बुरी नज़र वाले को मैं धूल चटाऊंगा, मैं कहीं बेकसूर लोगों को नहीं मरने दूंगा। आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा और आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहूंगा। इस कविता में जो आने वाले शब्द हैं वो एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले जो राही है, तो राही का अर्थ होता है यात्री मुसाफिर, यात्री और मुसाफिर। राह मतलब रास्ता, और रास्ते पर चलने वाले को राही कहते हैं। संग है तो संग यानी साथ, मेरे साथ चलो। इसके बाद हमने लिया था मंजिल, तो मंजिल है तो ध्येय और लक्ष्य। दम, दम यानी सांस, तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। इसी प्रकार आगे है धूप, तो यानी गुजराती में उसे कहते हैं तड़को। पसीना तो आपको पता है परसेवो। धरती पे कोई पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। उसके बाद जो सहारा यानी उसका अपने देश के लिए ऐसी भावना है कि वो सहारा बनना चाहता है। इसी प्रकार तिरंगा, तिरंगा यानी तिरंगा नाम क्यों दिया गया है कि क्योंकि हमारा जो ध्वज है वो तीन रंगों से बना हुआ है, इसलिए उसे तिरंगा नाम दिया गया है। तो तिरंगा यानी हमारे देश का झंडा। और शांति, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, चलन यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार, चलन मतलब व्यवहार। तो व्यवहार इस चलन का अर्थ है, दुनिया में कहीं गिरने नहीं दूंगा बम। बम यानी एक विस्फोटक पदार्थ। यहाँ पर हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, नन्ना यानी छोटा, धूप, तड़को, राही, मुसाफिर, यात्री, सिपाही, सैनिक, वतन, देश यानी जन्मभूमि को वतन भी कहते हैं, मंजिल या लक्ष्य, ध्येय, चलन, व्यवहार, आचरण, दम यानी सांस लेना, और बम यानी विस्फोट पदार्थों का बना हुआ एक गोला, और कदम यानी पैर अथवा पांव, एक मुहावरा है जो आंखों का तारा बहुत प्यारा। आप सभी विद्यार्थियों को इस कविता को याद करना है, मैंने जो आपको गा के सुनाई थी इसी प्रकार आपको कंठस्थ करने हैं, उसके बाद एक बार कविता नोट में लिखनी है। चलो बच्चों, बाय।